To your right. मुझे पहले बताया था यार, वो जाते नहीं भाई, इतने सिमिलर से क्यों लिख रहे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबने बोला था मतलब सबको पहले से पता था। नहीं मेरे जब हम लोग के लिए तो मेरे लिए तो बहुत खुशहाली मिनट था, वो तो सोचा था वैसे हुआ, तो मुझे तो जितना था नहीं। तू क्या करने गया? मैं तो टाइम पास करने गया था। तुषार लेकिन फैजू ने आपको काफी टफ कंपटीशन दिया। फैजू वो जन्नत को क्या कहना चाहोगे? फैजू जन्नत की बात तो छोड़ो, बाकी सबने बहुत टफ दिया यार, सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन पर्टिकुलरली आई थिंक फैजू और जन्नत बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जो हमें लगा नहीं था कि वो इतने अच्छा करेंगे कॉम्पिटिशन जाके, लेकिन जिस तरह से उन्होंने करा है, सबकी बैंड बजा दी वहाँ पे। आप क्या कहना चाहोगे? आज डांस परफॉर्मेंस दिया झलक में, और जानकारी आ रही है बीच में ये क्या हुआ? अभी सब अभी बता दो, कोई थोड़ा सा कुछ रेटिंग कैसे ऊपर जाएगी शो की, एपिसोड कैसे देखोगे, एपिसोड कैसे देखोगे? तो लेकिन मैं कहूंगा यस, मैं झलक में एज अ वाइल्ड कार्ड आया हूं, और कल हमारा शूट था और बहुत बहुत मजा आया, कुछ मचाया, बहुत अच्छा मचाया, एंड आई एम श्योर जब ऑडियंस देखेगी तो उनको पसंद आएगा। प्लीज वॉच झलक, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत मस्त शो है। और हमारे बाजू में जज खड़े हैं और मेरा बहुत प्यारा दोस्त भी है, लेकिन हर शो की मेरी एक अलग जर्नी है। तो अभी झलक की एज वाइल्ड कार्ड शुरू हुई है, बट डेफिनेटली जैसे मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि आई विल ऑलवेज एंटरटेन, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा और सबको एंटरटेन। इसके अलावा बिग बॉस भी चल रहा है साथ ही साथ, आप लोग फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? यार अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी मेरा फॉलो तो नहीं, मैंने तो लॉन्च की कोरियोग्राफी की बिग बॉस की, तो मैं तो जानता था कौन कौन घर के अंदर जा रहा है, बट जितना मैं सबसे मिला हूँ मैं, क्योंकि मैंने उनकी परफॉर्मेंसेस कोरियोग्राफ करे, सब में है कुछ अच्छी बात है, बट अभी तो बहुत शो अभी शुरू हुआ है, असली रंग तो सबके बाद में दिखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है फैजू, रुबीना, ये स्मृति झलक में जाके, तो झलक में है ना बिग बॉस शुरू हो जाएगा। मैंने जाके शुरू कर दिया, कर दिया। मुझे पता था कर दिया। बट फैजू की मैं बात करूं, फैजू को आप लोग काफी क्लोजली देखा आप लोगों ने, कोई ऐसी बातें जो काफी अच्छी, साउथ अफ्रीका में कोई ऐसी यादें आप लोग ने कोई देखा? आई थिंक फैजू को मैं खतरों से पहले जानता नहीं था, कभी मिले नहीं हम लोग, हमने सुना है दूसरे के बारे में, काम को जानते लेकिन कभी ऐसे इंटरेक्शन नहीं होता। एंड आई थिंक एक बात जो मैं बोलना चाहूंगा, दिल का बहुत सच्चा है, जो भी उसके दिल में रहते हैं बोल देता है। कई लोग होते हैं ना कि अपने दिल में रख लेते हैं, नहीं बोलते हैं, और सीधे साधे, वो बहुत सीधा लड़का है और दिल का बहुत साफ है, तो उसके आई थिंक वो बात मुझे बहुत पसंद है। आप कुछ बताना चाहोगे? मैं भी फैजू को पहले नहीं जानता था, मैं भी उसको खतरों के खिलाड़ी पे मिला, लेकिन उसके सारे में रील्स और टिकटॉक और वो सारी चीजें देखता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। बट एज अ पर्सन फैजू बहुत चिल बंदा है, मतलब उसको बहुत उसका जो ड्राइव है काम की तरफ वो मुझे पसंद है, बहुत हैप्पी गो लकी है, मतलब काम पे फोकस है, कुछ एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग चीज़ें नहीं है उसकी, फ्रेंड्स है उसके, मस्ती करता है, मतलब जो परफेक्ट एक होता है ना, काम करो, चिल करो, खुश रहो, उस जोन में है फैजू, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वो बहुत लोगों को पसंद आता है, हमको भी पसंद है और हमारा भी बहुत अच्छा बिजनेस। निशा, इसके अलावा आपके दो मित्र की काफी चर्चा हो रही है मार्केट में, मैं कौन से मार्केट में? मार्केट में तेजस्वी एंड करण की बात कर रहा हूं, शादी की चर्चा काफी हो रही है, आप कुछ बताना चाहोगे इस चर्चा के बाजार में कुछ आग लगा तो? बट फेसबुक के बर्थडे से इसका क्या लेन देन है? एग्जैक्टली कुछ आप आपके दोनों काज मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ऐसी चीजें आई थिंक वो उनके ही मुंह से जब वो लोग बताएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। बट मैं एक चीज मैं ही क्या, उनके सारे जितने भी दोस्त हैं उनके जो भी काम करते हैं या जो भी उनकी चीजें होती है, हम हमेशा, हमारा सपोर्ट होता है उनके साथ, तो वो हमेशा, वो लोग जो भी करे हम सबका सपोर्ट हमेशा रहेगा उनके साथ। कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में फैजू आज किंग है, आप कुछ बता दीजिए। फैजू के साथ मैंने
एक ही शूट किया है एंड द शूट वाज एपिक, बहुत अच्छे फोटोज आए थे एंड वी आर प्लानिंग वन मोर शूट. आई थिंक इट्स वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी स्वीट पर्सन. यू नो वी हैड नेवर मेट बिफोर दैट, डायरेक्ट हम शूट पे मिले थे, पर आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड he's a really nice person to work with, very professional, aur bahut maza aaya kaam karke. Any memories that you have collected during the shoot? You know, he was like both of us had a different impression, you know. He thought that ke how he'll approach me, aur mujhe laga tha ke he's too big, main usse kaise baat karunga. So initially aise laga ke, you know, but we got along really well. Yeah. From the first click itself, we saw the photo on the laptop and said, oh my God, I've never looked like this. Maine kabhi aisa photo shoot nahi kiya. So instantly we clicked, we finished the shoot and same night both of us were taking a flight and again I met him at the airport also. So usko jo memory thi photo shoot ki, was very, very happy and so was I. And jo humne shoot kiya tha, and we must have shot about 40-50 photos, mushkil ho gaya tha choose kare kaun sa best wala, because all came out so well. So watch out for some new pictures that we are planning. Even calendars ki main baat karu, jo pictures aate kaafi pyar ki jati hai logo ki taraf se, uske bare mein aap kya kehna chahoge? Aapke fans ko kaafi pyar karte hain aapke shots ke, wo log wait karte hain, every year they wait for your calendar. So in fact Facebook ka bhi shoot humne wo creator calendar ke liye shoot kiya tha. And कैलेंडर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि दे आर वेरी स्पेशल बिकॉज वो उसमें कमर्शियल एंगल नहीं होता है. इट्स जस्ट फॉर आर्ट, इट्स जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन, एक अच्छा फोटो करने के लिए. सो दैट एफर्ट शोज इन एवरी पिक्चर एंड पूरा साल हम कमर्शियल काम करते रहते हैं, बट कैलेंडर इज वन प्रोजेक्ट जो बहुत स्पेशल है हमारे लिए एंड इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड दैट्स व्हाट कीप्स माय फायर अलाइव. Thank you so much. Thank you.